इस लेक्चर में सिर्फ कन्वर्जन डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद जो लेक्चर हम अभी करेंगे तो उसमें इसके प्रेवलेंस, रिस्क फैक्टर्स, स्पेसिफायर्स मेरे ख्याल में इसमें है, इसमें करेंगे। और इसके अलावा फैक्टिशियस डिसऑर्डर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें लोग अपने आप को खुद जाके जो है ना वो करते हैं, बीमार करते हैं। फॉल्सिफिकेशन सिम्टम्स होती है, ठीक है, मतलब उनकी जो नेचर होती है बीमार की वो डिसेप्टिव इन नेचर होती है, ठीक है, खुद जाके अपने आप को बीमार करते हैं, गलत इंजेक्शंस लगाना या टैबलेट्स लेना या दे प्रिटेंडिंग लाइक दे आर इल, हर टाइम डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट रहना, ठीक है। तो कन्वर्ट फैक्टिशियस डिसऑर्डर में बेसिकली ये सारी चीज़ें आती हैं, करेक्ट रहते हैं। कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में जो है स्टार्ट करते हैं, वन और मोर सिम्टम्स ऑफ अल्टर्ड जो है अल्टरनेटिव से निकला हुआ है, वोलेंट्री मोटर और सेंसरी फंक्शन, ठीक है, मतलब इनकी जो सिम्टम्स आ रही होती है वो मोटर और सेंसरी फंक्शन के रिलेटेड आ रही होती है। जो नॉर्मल वोलेंट्री मोटर और सेंसरी फंक्शन होते हैं उसमें प्रॉब्लम जाके स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है वो स्पेसिफायर्स में हम जाके पढ़ेंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी मीन मिसमैच बिटवीन द सिम्टम्स एंड रिकॉग्नाइज न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन। तो दैट्स मीन जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है वो ये एविडेंस प्रोवाइड कर रही है कि जो अल्टर्ड वॉलेंट्री मोटर और सेंसरी फंक्शन प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें किसी भी न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन की रिकॉग्निशन नहीं होती, ना उसकी वजह से होती है, ठीक है। जो सिम्टम्स और डिफिसिट्स आ रहे हैं इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेडिकल मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर, और जो सिम्टम्स और डिफिसिट है उसकी वजह से क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज हो जाते हैं इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। और इसमें जो है ना वारंट करता है मेडिकल एवेल्यूएशन को, दैट चेक किया जाए कि प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल साइड से आ रही है या मेडिकल कोई कंडीशन है या नहीं, साइकोलॉजिकल है। तो स्पेसिफाई सिम्टम टाइप, अब इसमें जो सिम्टम टाइप्स आ रहे थे हम उस स्पेसिफाई करेंगे। विद वीकनेस और पैरालिसिस, पैरालिसिस में ये हो जाता है इन्हें कि इनके हाथ काम छोड़ देते हैं, दोनों हाथ भी कर सकते हैं, एक हाथ भी कर सकता है, एक पाँव भी कर सकता है, दोनों पाँव भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, जिस तरह मैंने क्राइटेरिया बी में कहा है कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैच, किस चीज़ के रिलेटेड, सिम्टम्स, कन्वर्जन सिम्टम्स एंड जो रिकॉग्नाइज न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन होती है। दैट्स मीन कि जो न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। तो वीकनेस और पैरालिसिस जो है समटाइम अकर हो सकती है कन्वर्जन डिसऑर्डर में, समटाइम एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्टोनिक मूवमेंट, गेट डिसऑर्डर, माइक्लोनस, ट्रेमर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स स्वेलविंग सिम्टम्स, जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आ रही होती है समटाइम उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। समटाइम्स स्पीच सिम्टम्स हो सकती हैं, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, मतलब जबान जब बारी हो जाती है और इंसान बोल रहा होता है, जिस तरह वो क्या डेंटिस्ट जब इंजेक्शन लगाता है प्रोसीजर के लिए तो उसके साथ जिस तरह जुबान बारी नहीं होती तो बिल्कुल उस तरह बोलना में जो है ना वो डिस्प्ले हो रही होती है स्पीच सिम्टम में। सीजर्स आ सकते हैं, नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, हम कन्वर्जन में जो झटके आ रहे होते हैं ना जिस तरह एपिलेप्सी मिर्गी के झटके होते हैं, ये भी उस तरह के झटके होते हैं लेकिन इसमें जर्की मूवमेंट्स और जो टंग बाइट और मुंह से जाग का जाना जिसे हम फ्रोथिंग कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉन एपिलेप्टिक फिट्स में नहीं होते, कन्वर्जन डिसऑर्डर के फिट्स में नहीं होते। अच्छा, विद एनेस्थेसिया और सेंसरी लॉस, बेहोश होना, ठीक है, लेकिन बेहोश होने के साथ भी जो है ना दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है, उन्हें जो है ना वो बात वगैरह सब कुछ सुनाई दे रही होती है। विद स्पेशल सेंसरी सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल
विजुअल ऑल्फैक्टरी और हेयरिंग डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है, और या मिक्स सिम्टम्स भी आ सकते हैं जो कि हमने ऊपर ये सारी पढ़ी है. स्पेसिफाई इफ एक्यूट एपिसोड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर लेस देन 6 मंथ्स, परसिस्टेंट होते हैं तो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर मोर देन 6 मंथ्स. स्पेसिफाई साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में एक मिनट में स्पेलिंग ठीक करो. अच्छा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में हमने फाइंड आउट करना होता है कि वेदर इस बंदे की जो बीमारी है वो किस रीजन की वजह से आ रही है, घरेलू प्रॉब्लम है या बचपन में कोई इस तरह वाकया होता है, सेक्सुअल एब्यूज है, फिजिकल एब्यूज है, या मैरिटल लाइफ के बाद भी अक्सर ये प्रॉब्लम होती है. ठीक है, और विदाउट साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर अगर कोई वो नहीं है तो हम फिर भी जाके जो है ना ये चीजें डायग्नोसिस के साथ दे रहे होते हैं. ठीक है, कन्वर्जन डिसऑर्डर की समझ आई है? जी सर. कोई क्वेश्चन सर है? कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर इलनेस या कन्वर्जन के? नो सर. सब इजीली समझ आ जाती है या नहीं, कॉम्प्लिकेशन होती है? सर बुक खोली होती है तो इजीली हो जाता है. अच्छा, यहाँ ये अच्छा किया है कि आप लोगों ने बुक्स लिए हैं ना. अच्छा, इसके दरमियान मैंने जो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि मेडिकल कंडीशन को अफेक्ट कर रही होती है वो वही अनदर मेडिकल कंडीशन की तरह है, तो इसलिए वो मैंने दरमियान में हटा दिया है. मैं डायरेक्ट इसके बाद कन्वर्जन के जितने वो स्टेप टॉपिक्स रहते हैं सब हेडिंग्स वो करेंगे, फिर फैक्टेशियस की तरफ जाएंगे. ठीक है, और फिर इंशाल्लाह, अब मुझे पता नहीं है कि मंडे से यूनिवर्सिटीज ओपन होंगे या नहीं, क्योंकि कल शफ़त में वो ने जो है ना लाइव वो किया था लेकिन उसमें इस तरह कुछ कहा नहीं कि वेदर यूनिवर्सिटीज ओपन होंगे या नहीं. तो अब नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज वाले. और फर्दर फिर इंशाल्लाह न्यू चैप्टर के साथ मंडे से स्टार्ट करेंगे. न्यू चैप्टर ईटिंग डिसऑर्डर से भी हो सकती है एंड या ट्रॉमा जो एक्यूट स्ट्रेस है वो उससे भी हो सकती है इंशाल्लाह. ठीक है, जितना लाइक हो सके इंशाल्लाह करेंगे. बस अभी आप लोग 11 तक ब्रेक ले लें, फिर इंशाल्लाह